Hello, dear students. Good afternoon to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is ECO five three two one. So today we'll be dealing with the, uh, the roof water harvesting. Okay, so roof in roof water harvesting, we'll be dealing with components, factors, and advantages and disadvantages. Okay. So let us see the definition like what is a roof water harvesting. So the roof water harvesting it is also known as domestic water harvesting or terrace water harvesting, mostly used to trap rainwater, runoff in urban areas by catching this water into local storage tank kept on or अंडर द ग्राउंड सर्फस ठीक है एक हम टैंक रखते हैं प्रॉपरली हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट इसलिए वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम है क्योंकि ये क्या है बहुत ही चीप यू नो वाटर हारवेस्टिंग है बहुत ही सस्ते तरीके से हम इसे कर सकते हैं एक पाइपलाइन डाल के अपने रूफ टॉप पर एक नीचे टैंक टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं तो इस तरीके का जब सेटलमेंट होता है हमारे घरों में तो उस तरीके के सेटलमेंट को हम क्या कहते हैं रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं ओके सो दिस इज़ अ वेरी important सोर्स ऑफ वाटर harvesting which अदरवाइज रन ऑफ दैट एंड क्रिएट्स अ havoc एंड submerged situation सिचुएशन इन द अर्बन एरियाज ठीक है तो ये इसलिए important है क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा हो जाती है और हम अगर वर्षा का पानी को कलेक्ट नहीं करते तो रन ऑफ के जरिए क्या होता है पानी वाटर यू नो स्टेग्नेशन मतलब पा जल भराव जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ठीक है और क्या होता है फिर बहुत सारा हमें डिसएडवांटेज होता है बहुत सारा नाश होता है हम कह सकते हैं ठीक है थीके? तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम सेटल settle, ये सेटलमेंट करके अपने घरों में क्या कर सकते हैं उस वाटर को हम फर्दर यूज़ पे ले सकते हैं राइट देन पहले बात आती कि हाउ टू हार्वेस्ट द रूफ वाटर हार्वेस्टिंग ठीक है कि हमें कैसे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का सेटलमेंट करना होता है ठीक है सो फॉर डूइंग यू नो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सम कंपोनेंट्स आ रहे हैं लाइक कैचमेंट्स कन्वीनियंस सिस्टम फ्लश फिल्टर टैंक्स एंड द रिचार्ज स्ट्रक्चर्स दिस आर लाइक द कंपोनेंट्स फॉर डूइंग यू नो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग ओके सो व्हाट इज द कैचमेंट्स कैचमेंट्स से हमको समझ आ रहा है कि ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर को कलेक्ट करना है स्टोर करके रखना है ओके सो यूज टू कलेक्ट एंड स्टोर द कैप्चर्ड रेन वाटर ओके दैन द कन्वीनियंस सिस्टम इट इज यूज़ टू ट्रांसपोर्ट द हार्वेस्टेड वाटर फ्रॉम द कैचमेंट टू द रिचार्ज जोन ठीक है मतलब कैचमेंट एरिया से हमें रिचार्ज जोन पे देना है ठीक है मतलब कहाँ पे कैच करा हमने रूफ टॉप के रूफ टॉप पे कैच करा और थ्रू दी पाइपलाइन हमने टैंक पे भेजा दैट प्रोसेस इज अ कन्वीनियंस सिस्टम कह सकते हैं कि रिचार्ज जो सिस्टम जहाँ से रिचार्ज करना है हमें इरिगेशन करना है या अदर यूज़ पे हमें लेना है उस सिस्टम को हम कह सकते हैं कन्वीनियंस सिस्टम ओके देन फ्लश तो इट इज़ यूज द फ्लश आउट द फर्स्ट स्पेल ऑफ द रेन तो हम कैसे फ्लश मतलब पहली बार जब वर्षा होती है जब वर्षा की फुहार आती है वुड बी फ्लश सिस्टम दैन नेक्स्ट इज़ फिल्टर फिल्टर क्या होता है यूज़ फॉर फिल्टरिंग द कलेक्टेड रेन वाटर एंड रिमूव पॉल्यूटी ठीक है फिल्टर करना पॉल्यूटीन जो भी हैं या पॉल्यूशन जो है उसको कम करके पानी को क्या करना सिक्योर करना सेपरेट करना ठीक है दैन दे नेक्स्ट इज़ टैंक्स एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर्स ठीक है अब यूज़ टू स्टोर द फिल्टर वाटर विच इज़ रेडी टू यूज़ हमें किसी टैंक में स्टोर करना है फिल्टर वाटर को जो यूज़ करने के लिए जो भी हमको फर्दर यूज़ करना है उस वाटर का तो वो हमारा हो जाता है टैंक्स एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं ठीक है द फैक्टर्स आर देयर लाइक द क्वांटम ऑफ रन ऑफ फीचर्स ऑफ द कैचमेंट्स इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज टैंक Types of the roof, its slope and its material, the frequently quantity and quality of the rainfall, the speed and a with which the rainwater penetrates through the subsoil to recharge the groundwater. So these are the factors. So several factors play a vital role in the amount of water harvested. लाइक क्वांटम ऑफ रन ऑफ मतलब कितने फ्रिक्वेंटली कितना किस मात्रा में जो है पानी बहाव हो रहा है जल जो का है वो है वो बह रहा है ओके दैन फीचर ऑफ दी कैचमेंट्स हमने कैचमेंट का फीचर किस तरीके का बनाया है तो बेसिकली जैसे हमने अपने पहले यू नो लेक्चर में देखा था कि हमारा जो कैचमेंट फीचर था अलग था फार्म पॉन्ड बनाया था हमने ठीक है अलग से संकीन पॉन्ड बनाया था हमने डग वेल well में कैच कर रहे हैं हम ठीक है तो ये सारे फीचर किस तरीके का हमने डेवलप किया है ओके देन अवेलेब अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी मतलब हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं फॉर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देन द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज टैंक ठीक है मतलब हमारी जो स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी कितनी है हमें ये पता होनी चाहिए और अगर हम उसे इरिगेशन पर्पस पे ले रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन पर्पस पे ले रहे हैं तो वो कितने हेक्टेयर एरिया को या कितने एक इंडिविजुअल एरिया को वो इरिगेटेड इरिगेशन प्रोवाइड करा सकता है राइट नैन द टाइप्स ऑफ द रूफ इट्स स्लोप एंड इट्स मटेरियल ठीक है किस तरीके की रूफ़ है मतलब कंक्रीट है या मिट्टी वाली रूफ़ है या किस तरीके का वहाँ पे अरेंजमेंट है या प्लास्टिक पॉलीथीन बैग से हमने कैच करना है वाटर को ठीक है तो वो उस पर डिपेंड करता है और स्लोप किस साइड है वाटर का जो यू नो बहाव है वो किस तरीके से होगा दैन द फ्रिक्वेंटली क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रन रन ऑफ रेनफॉल किस जैसे रेन जो भी कितने किस तरीके से पानी का uh, वर्षा हो रही है कितनी फ्रिक्वेंटली दो दिनों में वर्षा हो रही है लगातार वर्षा हो रही है ठीक है तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो तो वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए हमें समझना अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट uh, होता है ओके okay? तो ये था हमारा फैक्टर देन नेक्स्ट इज़ ओके सो दिस स्ट्रक्चर इज़ फॉर द रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसे आपको दिख रहा होगा इमेज में कि देखिए आप ये जो वाटर है वो इस तरीके से ऊपर कलेक्ट हो रहा है ठीक है ये वाटर यहाँ से ये इस तरीके से आ रहा है और इस तरीके से आते आते वो यहाँ से रिचार्ज हो रहा है ठीक है जिसको हम कैसे रिचार्ज करते हैं गार्डन टैप या गार्डन में यूज़ करने के लिए वैसे ये ये जो टैंक्स है यहाँ से जो वाटर है वो यहाँ ये ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाई लेवल वाटर स्टोरेज ये हाई लेवल वाटर स्टोरेज है दिस इज हाई लेवल वाटर स्टोरेज देन रेन क्या है ये रेन वाटर कलेक्शन फ्रॉम रूफ टॉप ठीक है इस तरीके से रेन वाटर कलेक्शन हो रहा है और ये मूव करते करते फिल्टर होते होते इस टैंक पे क्या हो रहा है जमा हो रहा है अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक विथ पम्प ठीक है फिर हम इसे यहाँ से हमारा ये जो है ये हमारा आउटलेट्स बना हुआ है सॉरी आउटलेट्स ये हमारा बना हुआ है और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं या फर्दर यूज पे ले सकते हैं ठीक है तो ये प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक स्ट्रक्चर है कभी भी एग्जाम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्सप्लेन करने को आता है तो यू विल ड्रॉ द दर दिस काइंड ऑफ यू नो इमेज और पिक्चर्स यू कैन सी ओके

दिज नॉट रिक्वायर्स अ फ़िल्ट्रेशन सिस्टम ऑफ लैंडस्केप इरीगेशन ठीक है सो इसमें कोई प्रॉपर फिल्ट्रेशन के लिए हमें कोई प्लॉइंग करनी है एक प्रॉपर लैंडस्केप बनाना है स्लोप के हिसाब से बनाना है ये सारा रिक्वायरमेंट नहीं होता है इस वजह से काफ़ी चीप होता है हम रूफ टॉप पर एक प्रॉपर पाइपलाइन चैनल लगा के नीचे टैंक ग्राउंड सर्फेस पर रख के हम ये वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं ठीक तो है तो बहुत ही ईजी मैथड है ये दैन दिस टेक्नोलॉजी इज़ रिलेटिवली सिंपल ईजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट ठीक है बहुत ही ईजी होता है हम घरों में आसानी से रूफ टॉप पे यू नो अरेंजमेंट कर सकते हैं दैन द इट रिड्यूज सॉइल एरूजन स्ट्रोम वाटर रन ऑफ फ्लडिंग एंड पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वॉटर फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स मेटल्स एंड अदर सेडिमेंट्स सो इट इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर लैंडस्केप इरीगेशन विथ नो केमिकल्स एंड डिजोल्व सॉल्स एंड फ्री फ्रॉम ऑल मिनरल्स ठीक है तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो हमारे रूफ टॉप वाटर हारवेस्टिंग के हैं ठीक है जो कि काफ़ी सबसे मेन एडवांटेजेज है कि इजी टू ऑपरेट है इजी टू इंस्टॉल है एंड वेरी चीप जो सिस्टम है वाटर हार्वेस्टिंग का ओके सो कम्पोनेट्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके पास कौन कौन से कम्पोनेंट्स होने चाहिए कैचमेंट एरिया होना चाहिए और बेसिकली फ़िल्टर और एक टैंक होना चाहिए जो रिचार्ज स्ट्रक्चर हम जिसको कह सकते हैं ठीक है थीके? ये तीन फैक्ट जो कंपोनेंट्स हैं वो रेन वाटर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को क्या करने के लिए सेटल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट होते हैं ओके so let us move for disadvantages so we have some disadvantages also like regular maintenance is required आपको regularly check करना पड़ेगा कहीं से pipeline आ uh, you know कटी पटी तो नहीं है कहीं पे leak तो नहीं हो रहा कहीं pipeline से सीपेस तो नहीं हो रहा something like that okay then require some technical skills for installation ठीक है तो बहुत सारे इंस्टॉलेशन के लिए टेक्निकल स्किल चाहिए रहता है मतलब टेक्निकल इज इजी टू ऑपरेट है ये बट टेक्निकल इंस्टॉलेशन मतलब आपको नोजल प्रोवाइड करने हैं आपको प्रॉपर जॉइंटिंग प्रोवाइड करनी है दैट वुड बी इंस्टॉलेशन मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरीके का यू नो सेटलमेंट बनाना होता है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ठीक है सो इतना पर प्रोवाइड कराने का एक ही मेरा एम है ताकि आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपर समझ सको क्योंकि हमें फिर फिलहाल तो एग्ज़ाम देना है सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है ठीक है इसलिए मैंने एक एक पॉइंट को आपको बताना है कि किस तरीके से आपको लिखना है किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप कैसे इस क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं ओके सो लिमिटेड एंड नो रेनफॉल कैन लिमिटेड द सप्लाई ऑफ रेन वाटर इफ़ नॉट इंस्टॉल्ड करेक्टली इट मे अट्रैक्ट मॉस्किटोज एंड अदर वाटर बोन बॉन डिसीजेस ठीक है ये किसी भी सिस्टम के साथ है अगर हमने सही तरीके से इंस्टॉल नहीं करा है तो क्या होता है अगर पानी क्या होगा जल भरा हो जाएगा तो वहाँ पे मॉस्किटोज पनपने लगेंगे डिसीजेज़ होने लगेगी मलेरिया पीलिया जैसे वाटर जो है वो इन्फेक्ट होने लगेगा ठीक है तो ये सारे सिस्टम अगर हम प्रॉपरली नहीं करते हैं तो ये सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कॉज करते हैं ओके देन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज स्टोरेज लिमिटेड लिमिट्स मतलब एक टैंक हमने लगाना है और वो जो भी स्टोरेज है वो लिमिट्स है हमें उसे फर्दर यूज़ करना होता है ठीक है तो फर्दर यूज़ हम उसे फ़िल्टर करके डोमेस्टिक प्रॉपरली डोमेस्टिक यूज़ में लेते हैं ठीक है थीके? बाथिंग पर्पज़ एंड गार्डनिंग के पर्पज़ पे किचन गार्डनिंग के पर्पज़ पे हम जो है अपना प्रॉपर रूफ वाटर हारवेस्टिंग को लेते हैं ठीक है तो आज के लिए था ये बेसिक इंट्रोडक्शन इतना ही ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो रन ऑफ इंड्यूस वाटर हारवेस्टिंग होता है वो किस तरीके का होता है और इनसी टू हार्वेस्टिंग जो होता है वाटर का वो किस तरीके से होता है ओके सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी